भाई क्या हुआ? अरे हमारे जो पड़ोस में जो भाभी थी ना, वो तो प्रेग्नेंट हो गई है यार। क्या बोल रहे भाई, ये तो अच्छी बात है ना? नहीं, उसका जो हस्बैंड है वो 4 साल से घर नहीं आया भाई। छत पे इसकी बात है भाई, ऐसा भी तो सकता है ना, भाभी कहीं बाहर गई होगी किसी से मिलने के लिए। नहीं, भाभी घर से कहीं नहीं जाती थी, उससे कोई मिलने भी नहीं आता था। बस हम तीनों ही जाते थे वहीं पे, हम ही तो जाते आते रहते हैं ना उधर, और कौन जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता यार। देखिए, मैंने भी कुछ नहीं किया, तुमने भी कुछ नहीं किया, और सिर्फ एक दिखने से बचा सिर्फ रोहित। नहीं यार, वो नहीं कर पाए, उसका बहुत छोटा है, वो नहीं कर पाएगा। अरे भैया, लाल दोनों का शक्ल इतना उतरा हुआ क्यों है? कहा था भाई, तू किधर गायब हो गया था भाई? पड़ोस वाली भाभी के घर पे था, सुनाई कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो मिठाई खिलाने गए थे। देखो इसे, देखो ये मिठाई खिलाने गया था, इधर हमारी कमी फट पड़ी हुई है। अरे वो सब छोड़, चाय पी लो भाई, थोड़ा चाय पीने का मन हो रहा है, बाहर बारिश भी हो रहा है। लो अब इसको चाय पीनी है। दूध नहीं है घर पे? दूध लेके आ। कैसे? मुझे जाना पड़ेगा भाई। तू जाना भाई, तू जाना, और बोलना कि मैंने जो छोटी वाली चॉकलेट दिया था वो रिटर्न कर देने के लिए, वो उसके लिए नहीं था, वो मेरे लिए था, वो मेरे खाने के लिए था, तो मैंने गलती से वो उसको दे दिया। तू आते टाइम लेते रहना छोटी चॉकलेट। छोटा चॉकलेट कौन देता है भाई? यार भाभी छोटी छोटी चॉकलेट से ही खुश हो जाती है। उसका वो छोटा भाभी छोटी छोटी चॉकलेट से ही खुश हो जाती है। भाई दूसरे दिन कहा था भाई? किस दिन? वही जिस दिन तू बोला था भाई, बाहर भारी बारिश हो रही है, मैं कहीं पे हूँ। उस दिन तो मैं भाग के घर पे था।